Hello and welcome. I am Dr. Rohitashwa Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dulle College, Bikaner. In this presentation, I will explain significance of transpiration. इस प्रस्तुतिकरण में मैं वाष्पोत्सर्जन के महत्व के बारे में चर्चा करूंगा. फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन से पादप को होने वाले लाभ. द फर्स्ट बेनिफिट और एडवांटेज इज एसेंट ऑफ सैप. पहला लाभ जो पादप को वाष्पोत्सर्जन से होता है वह है रसारोहण. The process of ascent of sap is facilitated by transpiration. जैसा कि पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रसारोहण की क्रिया वाष्पोत्सर्जन के कारण ही संभव होती है. The water reaches to the top of tallest plants with transpiration stream only. सबसे लंबे पादप जो होते हैं उनके शीर्ष तक जो जल पहुंचता है वह वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के साथ ही पहुंचता है. Therefore, plant growth or dry matter synthesis is also expressed in relation to transpiration. और इसी कारण से पादप की वृद्धि या पादप के द्वारा जो शुष्क भार का संश्लेषण किया जाता है उसको भी वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में अभिव्यक्त किया जाता है. And this expression is known as transpiration ratio or transpiration efficiency. और इस अभिव्यक्ति को वाष्पोत्सर्जन अनुपात या वाष्पोत्सर्जन दक्षता कहा जाता है, जिसके बारे में मैं पूर्व में समझा चुका हूं. I have already explained what transpiration ratio or transpiration efficiency is. The next advantage is lowering of leaf temperature. अगला लाभ जो पादप को वाष्पोत्सर्जन से होता है वह है पर्ण के तापमान में कमी करना. It is believed that transpiration of water from leaf surface lowers the temperature of leaf since the energy required for evaporation of water molecules is taken from leaf surface. ऐसा माना जाता है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण पर्ण की सतह के तापमान में कमी आती है, क्योंकि जब भी पादप के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है या जल के वाष्प के रूप में हानि होती है तो जल के वाष्पीकरण के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वह ऊर्जा पर्ण की सतह से या पर्ण कोशिकाओं की सतह से ही प्राप्त होती है. और इस कारण से वह सतह जहां से यह वाष्पीकरण हो रहा है या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है वह तुलनात्मक रूप से वायुमंडल की तुलना में शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है. However, this view is opposed by many scientists because of the fact that during noon hours, transpiration slows down or completely stops due to partial or complete closure of stomata when need for leaf cooling is maximum. लेकिन इस मत को नहीं मानने वाले वैज्ञानिकों का यह मानना है कि दिन के समय जब तापमान अधिक होता है और इस अधिक तापमान में पर्ण के शीतलन की आवश्यकता भी तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, इस समय में सामान्यतः रंध्रों के आंशिक या पूर्ण रूप से बंद हो जाने पर वाष्पोत्सर्जन भी धीमे हो जाता है, जो कि सामान्यतः दोपहर के समय होता है. दोपहर के समय जब तापमान अधिक होता है और पर्ण को शीतल करने की आवश्यकता अधिक होती है उस वक्त वाष्पोत्सर्जन भी तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है, क्योंकि रंध्र आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं. तो जब पादप को सर्वाधिक आवश्यकता है तापमान कम करने की, उस समय जब वाष्पोत्सर्जन होता ही नहीं है तो इस लाभ को माना नहीं जा सकता. फर्दर, लीफ टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन मोर एफिशिएंटली बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन एंड कन्वेक्शन ऑफ हीट एनर्जी. इसके अतिरिक्त पर्ण का तापमान कुछ अन्य विधियों के द्वारा भी कम किया जा सकता है, उदाहरण के लिए विकिरण के द्वारा, यानी ऊर्जा के विकिरण के द्वारा या ऊर्जा के या ऊष्मा के कन्वेक्शन के द्वारा भी पर्ण के तापमान को कम किया जा सकता है. ऐसा माना जाता है कि सामान्यतः पादप में जो पर्ण का तापमान कम होता है वह इन विधियों से होता है, रेडिएशन के द्वारा या हीट एनर्जी के कन्वेक्शन के द्वारा. नेक्स्ट एडवांटेज इज इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप की वृद्धि और विकास पर प्रभाव. द रिडक्शन इन ग्रोथ हैज बीन ऑब्जर्व इन सम प्लांट्स इन ह्यूमिड क्लाइमेट विच इज एट्रीब्यूटेड टू लोअर ट्रांसपिरेशन इन ह्यूमिड कंडीशंस. वे पादप जो नम जलवायु में पाए जाते हैं उनमें वृद्धि में कमी देखने को मिलती है, और यह कमी ऐसा माना जाता है कि नम परिस्थितियों में
बाष्पोत्सर्जन की दर के कम होने के कारण होती है। दिस वॉज ऑब्जर्व इन सनफ्लावर बाई विनेबर्गर इन 1958। यह प्रभाव विनेबर्गर के द्वारा उदाहरण के लिए सूर्यमुखी में देखा गया है कि सूर्यमुखी के ऐसे पादप जो अधिक नम जलवायु में उगते हैं उनकी वृद्धि तुलनात्मक रूप से कम होती है उन पादपों की तुलना में जो कम नमी में उगते हैं। तो चूंकि कम नमी में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है और अधिक नमी में वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, तो विनेबर्गर के द्वारा यह माना गया कि यह जो वृद्धि में कमी है नम जलवायु में वो वाष्पोत्सर्जन की दर के कम हो जाने के कारण होती है। Hence, it is believed that transpiration is essential for optimum growth of the plants. अतः यह माना जाता है कि पादप की इष्टतम वृद्धि के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आवश्यक होती है। Next advantage, development of root system. अगला लाभ मूल तंत्र का विकास। It is believed that transpiration provides favorable conditions for development of root system. यह भी माना जाता है कि मूल तंत्र के समुचित विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां वाष्पोत्सर्जन के कारण निर्मित होती है। उदाहरण के लिए जब वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो मृदा से अतिरिक्त जल की निकासी हो जाती है, तो पर्याप्त मात्रा में वायु मृदा में उपस्थित रहेगी जो कि पादप मूल के श्वसन और वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज एक्सेस वाटर फ्रॉम सॉइल इज रिमूव्ड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन एंड व्हेन एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड देन देयर विल बी मोर सॉइल एरेशन विच provides more oxygen for respiration and growth of the roots. So therefore it is believed that development of root system is also facilitated by transpiration या मूल की वृद्धि के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होती है वह निर्मित करने में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सहायक होती है। Next advantage is optimum turgidity or removal of excess water. अतिरिक्त जल की निकासी और इष्टतम स्फीत अवस्था का बना रहना। As plants absorb water in excess of their requirement, the excess water is get rid of by transpiration. चूंकि अधिकांश पादप जितनी मात्रा में उनको जल की आवश्यकता होती है उसकी तुलना में अधिक जल का अवशोषण करते हैं, तो यह जो जल की अतिरिक्त मात्रा अवशोषित होती है जिसकी पादप को आवश्यकता नहीं होती, इससे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पादप को मुक्ति प्राप्त होती है या इसकी निकासी जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। एंड दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑप्टिमम वाटर पोटेंशियल एंड सेलुलर टर्जिडिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। और इससे इष्टतम वृद्धि के लिए जो इष्टतम स्पीड आवश्यक होता है कोशिकाओं का या पादप का या उत्कों का, और जो इष्टतम जल विभव होता है वह पादप का बना रहता है। However, it is also argued that transpiration itself is responsible for excess water absorption, that is passive absorption of water. So, if there is less transpiration, there will not be any excess water absorption. यद्यपि यह भी कहा जाता है कि जो अतिरिक्त जल पादप के द्वारा या आवश्यकता से अधिक जल पादप के द्वारा अवशोषित होता है वह वस्तुतः वाष्पोत्सर्जन के कारण ही होता है। जैसा कि पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं कि जल का जो निष्क्रिय अवशोषण होता है और जो जल के अवशोषण का मुख्य भाग भी होता है, लगभग 90% से अधिक जल जो है वह निष्क्रिय रूप से ही अवशोषित होता है, और यह निष्क्रिय अवशोषण वाष्पोत्सर्जन तनाव के कारण ही होता है। सो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट इज 90% ऑफ वाटर विच इज एब्जॉर्ब बाई प्लांट इज ड्यू टू पैसिव एब्जॉर्प्शन विच इज फैसिलिटेटेड बाई ट्रांसपिरेशन पुल जनरेटेड बाई ट्रांसपिरेशन। सो इफ देयर इज लेस ट्रांसपिरेशन there will not be any excess water absorption. तो यदि वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो अतिरिक्त जल का अवशोषण भी नहीं होगा। Next is absorption and transport of minerals. खनिजों का अवशोषण और स्थानांतरण। It was earlier believed that high transpiration rates cause high rates of mineral absorption as minerals are absorbed along with passive absorption of water due to transpiration. पूर्व में ऐसा भी माना जाता था कि जब वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है तो ऐसे स्थिति में खनिज लवणों का या खनिज आयनों का अवशोषण भी तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, क्योंकि संभवतः खनिज आयन भी जब जल का निष्क्रिय अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है तो इसी जल के अवशोषण के साथ जो खनिज लवण या खनिज आयन जल में घुले हुए होते हैं वह भी पादप के द्वारा साथ ही साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। However, deep understanding of the mechanism now points towards independent absorption of minerals.
That is, minerals are mostly absorbed actively using metabolic energy independent of water. यद्यपि अब यह ज्ञात है कि वस्तुतः खनिजों का या खनिज आयनों का जो अवशोषण होता है वह जल के अवशोषण से पृथक होता है, अर्थात जल का अवशोषण अलग होता है और खनिज अवशोषण या खनिज आयनों का जो अवशोषण होता है वह वस्तुतः जल के साथ नहीं होता है बल्कि एक पृथक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होता है। अधिकांश खनिज जो अवशोषित होते हैं वह उपापचयी ऊर्जा को काम में लेते हुए जल से स्वतंत्र रूप से अवशोषित होते हैं। तो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वाटर इज मोस्टली अब्सॉर्ब्ड पैसिवली, जो जल का अवशोषण होता है वह अधिकांशतः निष्क्रिय रूप से होता है, जबकि खनिज लवणों का अवशोषण जो होता है वह सक्रिय रूप से होता है उपापचयी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए। तो इस कारण से इस लाभ को भी नहीं स्वीकार किया जा सकता क्योंकि जल अवशोषण और खनिज अवशोषण की क्रियाविधियां पूर्णतः अलग होती है। Although transpiration does help in their distribution in whole plant with transpiration stream after that absorption. यद्यपि जब खनिज लवणों का अवशोषण पादप के द्वारा पृथक रूप से कर लिया जाता है तो उसके पश्चात संपूर्ण पादप में जो उनका वितरण है वह अवश्य ही वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के साथ होता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन तनाव के कारण जब जल पादप के शीर्ष भागों की ओर प्रवाहित होता है तो उस प्रवाह के साथ उसमें गुलित खनिज लवण भी पादप के सभी भागों में वितरित कर दिए जाते हैं या स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज, प्लांट्स डेवलप मोर मैकेनिकल टिश्यूज विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू प्लांट्स व्हेन ट्रांसपिरेशन इज हाई। ऐसा माना जाता है जब वाष्पोत्सर्जन की दर उच्च होती है, अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में पादप के द्वारा अधिक मात्रा में यांत्रिक ऊतकों का निर्माण भी किया जाता है जो कि पादप को अधिक सामर्थ्य या मजबूती देने में या दृढ़ता प्रदान करने में सहायक होते हैं। ड्रेनेज ऑफ एक्सेस सॉइल वाटर, अतिरिक्त मृदा जल की निकासी, तो दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन, यह भी वाष्पोत्सर्जन का एक लाभ माना जाता है। द एक्सेस सॉइल वाटर डिक्रीजेज सॉइल एरेशन, रेजेज अंडरग्राउंड वाटर लेवल एंड कॉजेज मिनरल डेफिशिएंसी विच आर नॉट फेवरेबल फॉर रूट ग्रोथ। एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस स्लाइड ऑल्सो दैट वेन देर इज एक्सेस ऑफ वाटर इन द सॉइल देन देर विल बी लेस सॉइल एरेशन, दैट इज oxygen will be available in less quantity, underground water level will also be less and there will be more minerals present in the soil when less minerals will be present in soil when there is excess soil water present in the soil and these conditions are not favorable for root growth। यह जो परिस्थितियां हैं यह वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं होती है। यदि मृदा में अतिरिक्त मात्रा में जल उपस्थित है, अधिक मात्रा में जल उपस्थित है, तो ऐसे स्थिति में मृदा में वायु तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है, इससे भूमिगत जल का स्तर भी तुलनात्मक रूप से बढ़ जाता है और इस कारण से खनिज तत्वों की भी मृदा में कमी हो सकती है और यह सभी कारक जो है वह मूल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं या मूल की वृद्धि को संदमित करते हैं। ट्रांसपिरेशन रिमूव दिस एक्सेस वाटर, वाष्पोत्सर्जन के कारण यह अतिरिक्त जल इस अतिरिक्त जल की निकासी हो जाती है एंड दिस मेक्स कंडीशंस फेवरेबल फॉर रूट ग्रोथ और इसके फलस्वरूप जो परिस्थितियां हैं वह मूल की वृद्धि के लिए अधिक अनुकूल हो जाती है। डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानियां। द एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन कैन हैव फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट्स, दैट इज व्हेन ट्रांसपिरेशन एक्सीड्स रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जब वाष्पोत्सर्जन की दर जल के अवशोषण की दर से अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पादप में जल तनाव निर्मित हो जाता है या वाटर स्ट्रेस निर्मित हो जाती है और उसके अनेक हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट, शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर ग्रोइंग ऑर्गन्स एंड लॉस ऑफ टर्जिडिटी इन सेल्स, जब जल तनाव की स्थितियां निर्मित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वृद्धिशील अंगों के लिए जल की कमी होने लगती है और कोशिकाओं की स्पीथ की भी हानि होने लगती है और यह कोशिकाओं की जो स्पीथ है यह कोशिकाओं के दीर्घीकरण के लिए आवश्यक होती है। तो इस कारण से स्पीथ में कमी होने के कारण और वृद्धिशील अंगों को समुचित मात्रा में जल नहीं मिलने के कारण या जल की कमी हो जाने के कारण पादप की वृद्धि तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है, वृद्धि में कमी आती है या पादप स्टंटेड रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। डिक्रीज इन मेटाबॉलिज्म एंड क्लोजर ऑफ स्टोमेटा विच इनिबिट्स फोटोसिंथेसिस एंड अफेक्ट्स यील्ड,
जल की कमी होने पर उपापचय में भी कमी आती है, रंध्र भी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं, और रंध्रों के बंद होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संदमित हो जाती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संदमित होती है तो उससे पादप की उपज प्रभावित होती है या उपज में कमी आती है। ड्राइंग, विल्टिंग एंड अल्टीमेटली एब्सेशन ऑफ लीव्स एंड इवन डेथ ऑफ प्लांट ड्यू टू डेसिकेशन। तो जब पादप में जल की कमी होती है तो पर्ण सूख जाती हैं या उनमें मुरझान उत्पन्न हो जाता है, कुमला जाती हैं, और अंततः यह पत्तियां पादप से पृथक हो जाती है, एब्साइस हो जाती है या विलगित हो जाती है, और जल की बहुत अधिक कमी हो जाने पर पादप की मृत्यु भी हो सकती है। डिहाइड्रेशन ऑफ एंजाइम्स, इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स ड्यू टू वाटर स्ट्रेस। जब अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण जल तनाव निर्मित हो जाता है तो एंजाइम्स का निर्जलीकरण भी होता है, प्रोटीन संश्लेषण का संदमन हो जाता है, जो प्रोटीन निर्मित है वह भी अपघटित होने लगते हैं, तो यह सभी भी वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाले कुछ हानिकारक प्रभाव है। Thus, the conclusive fact about transpiration is that it is a more harmful process than it is advantageous. तो इस आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन वस्तुतः एक हानिकारक क्रिया है, अर्थात इससे होने वाले हानियां जो है वह तुलनात्मक रूप से अधिक है उन लाभों की तुलना में जो कि वाष्पोत्सर्जन के कारण होते हैं। इट इज लॉस ऑफ वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ एंड वन ऑफ सबस्ट्रेट्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द प्लांट लाइफ, दैट इज फोटोसिंथेसिस। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा सजीवों के लिए या जीवन के लिए आवश्यक सबसे आवश्यक घटकों में से एक घटक यानी जल की कमी हो जाती है, और साथ ही यह जल प्रकाश संश्लेषण के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्रियाकारक है या आवश्यक क्रियाकारक है, तो पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी कमी आती है। सो द मियर एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन प्लांट्स मे नॉट बी टेकन टू मीन दैट इट इज यूजफुल टू द प्लांट। केवल वाष्पोत्सर्जन के पादपों में होने से हम यह नहीं मान सकते कि यह प्रक्रिया पादपों के लिए लाभदायक होती है या एडवांटेजियस होती है। लीव्स एंड स्टोमेटा आर मेंट टू फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू लीफ व्हिच इज अदरवाइज इम्पॉसिबल ड्यू टू वेरी लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, एंड देयरफॉर लीव्स एंड स्टोमेटा आर प्राइमरीली मेंट टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पर्ण और रंध्र वस्तुतः यह दोनों ही संरचनाएं पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने के लिए निर्मित हुई हैं, क्योंकि रंध्रों की उपस्थिति के कारण ही पादप में कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से बाह्य वायुमंडल से विसरित होकर पादप में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती है, इट इज ऑनली 0.03%। तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड के पर्ण में प्रवेश के लिए कोई मार्ग न हो तो ऐसे स्थिति में अपने कम वायुमंडलीय सांद्रता के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का पर्ण में प्रवेश नहीं हो सकता, अतः रंध्रों के रूप में एक संरचना प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के पर्ण के भीतर प्रवेश को सुगम बनाती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्टोमेटा का जो निर्माण हुआ है या पर्ण का निर्माण हुआ है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सुगम बनाने के लिए हुआ है। एंड ट्रांसपिरेशन इज जस्ट एन इंसिडेंटल कंसिक्वेंस ऑफ ओपन स्टोमेटा, और वाष्पोत्सर्जन जो है वह खुले रंध्र पादप में पाए जाने का एक परिणाम है। अतः जब भी रंध्र खुले होते हैं तो ऐसे स्थिति में चूंकि पादप के भीतर जल वाष्प की सांद्रता अधिक होती है तो रंध्र खुले होने पर यह जल वाष्प बाहर की ओर विसरित होती है जिसको रोका नहीं जा सकता। तो यह वस्तुतः रंध्रों के खुले होने का एक परिणाम है, न कि रंध्र वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करने के लिए बने हैं। ट्रांसपिरेशन इज ए प्राइस दैट प्लांट्स पे टू बी एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो हम यह कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन वह मूल्य है जो पादप को देना पड़ता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने के लिए। Therefore, transpiration is rightly called an essential or necessary evil by Curtis or as an unavoidable evil by Stewart 1959. तो इसी कारण से वाष्पोत्सर्जन को कर्टिस ने एक आवश्यक बुराई कहा है या एक ऐसी बुराई कहा गया है वाष्पोत्सर्जन को जिससे पादप बच नहीं सकता, that is unavoidable evil, जो कि स्टीवार्ड ने कहा। So, this is all about significance of transpiration. Thanks for